नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू, सच बाहू, हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू, कासमे फैजाने हक बाहू तशरीफ ले आए ने। और इंशाल्लाह आपके मलफूजात असी मुस्तफीद होवांगे। अपने दिल के भी कन्ना नूं जिहड़ा ना वह खोल के एक ऐ कन ने, एक ऐ भी कन ने जिहड़े साडे बातनी कन ने, एक जहरी एक बातनी। मैं अपनी गुफ्तगू नहीं करनी, एक शेर सुनाना है सुल्तान बाहू सरकार का। हाजरी यही बड़ी है और हुजूर दी कदम बोसी करदे होया खुदा की कसम उठा के कहना जे एम पी यारी लाई हो आवन भावे ना आवन, चस आदि साइया यारी लाने की आए ने कि नहीं? नहीं नहीं मगर कौन रोची यार बनाओ ते चंगे बनाओ, यार बनाओ ते चंगे बनाओ, ते सोने सोने बनाओ, ते इहो जे बनाओ। अल्लाह ते आप फरमांदा या जो अल्लाह दी ना कोई काफरा नु तो नहीं आख्या, कोई अल्लाह ने यहूदियां तो नहीं आख्या, लोगों ने नहीं आख्या कि ऐ लोगो अल्लाह फरमांदा ईमान ला लियो। गल किना दी हो रही यार जो अल्लाह दी ना आमनु ईमान ला लियो। अगे अल्लाह फरमांदा इत्तकुल्ला ए अल्लाह तू डरना लियो ते ओदे मुतकी ते परहेजगार तजबा एवे करांदा ओ ईमान ला लियो। अगे ए मुतकी ते परहेजगार अल्लाह फरमांदा ओ मुतकी ते परहेजगार ओ या अल्लाह हुक्म कीए सच्चे दे भी लड़ लगे हो के नहीं? कोई मान वाला भी हो गए हो, तकवी वाले भी हो गए हो, परहेजगार भी हो गए हो। अगली गल अल्लाह फरमांदा है वकूनु मा सादिकीन, और किसे चंगे दे नाल नहीं लगे हो कोई नहीं। ईमान भी उदो काम आना जे, तकवा भी उदो काम आना जे जो कोई साईं सिर ते होवेगा। फिर मैं ते कहांगा ए तन मेरा यारा चश्मायो डॉक्टर मोहम्मद मनशाह साहब आशिक सन, खुदा की कसम वो आशिक सन और उन्होंने दरवेश सिफत इंसान सन। मेरी जो तकरीर होनी उन्हें भी सुल्तान बाहू का शेर सुनाओ, सुल्तान बाहू का शेर सुनाओ। और आज बाहू वाले अपने ही पै गए और इतने ही नहीं खुदा की कसम उठा के कहना वो कब्र च भी आए होंगे और उत्थे आए होंगे, जरूर आए होंगे। हाँ हाँ वक्त नहीं, जरूर आए होंगे। दलील लाना चाहो जो चाहो ला सकते हो, सोना पुलिस देखा
طریقت راہبر شریعت منبع جود و سخا محب و مشفق قبلہ شہزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری سلطانی جلوہ گر ہیں اور یقیناً اسی بے چین بیٹھے ہیں کہ آپ دے ملفوظات اسی سنانے اور جتنے آپ عوام تشریف فرمائے سارے دے سارے چونکہ پورے علاقے دے اندر میرا خیال ہے شاید اے پہلا اے کلخانی ہے کہ جڑی دوسرے دن ہو رہی ہے وگرنا تیسرے دن ہی کلخانی ہوں دی ہے اور اے پروگرام بھی پیر صاحب کی وجہ تو ہی تشکیل دیتا گیا کہ آپ نے چونکہ ٹائم باقی والے خانہ زیادہ بہتر جان دینے اور یقیناً ثم الحمدللہ میں اس بات پہ فخر محسوس کراں گا کہ انہوں نے لڑ جو پھڑیا ہے نا وہ سچیاں کا پھڑیا ہے اور انہوں نے نعرہ بھی یہی حق باؤ تے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حق باؤ اچھ بولو حق باؤ سجدہ سلطان فیاض الحسن سور سروری اور قادری زندہ باد الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایتن رب سچے دا حجرہ بچ پا فقیدہ چھاتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوہ تو بال انہیرے تینو مل سی بست کھڑاتی ہوں مرن تو پہلے مر گئے یا باب تاں اے رمز بچاتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات گرامی محبتاں دی کوئی حد نہیں ہوندی جس نے محبت والا رشتہ اختیار کر لینا اس نو کدی تکلیف پہنچنی نہیں تے جے پہنچ جائے تے محبوبہ نے رہن نہیں دینا پوری دنیا اس وقت خوف اور دہشت کا شکار ہے
और मौत एक ऐसी हकीकत है न जिसका इनकार और न जिसको फरार होया जा सकता है। उसने अपने टाइम पे आ जाना है और यही साढ़े वास्ते बहुत बड़े इनाम की शक्ल भी है। बहुत सारे लोगों ने सभी देखे हो एक वक्त उन्होंने जिंदगी के अंदर इतना तकलीफ दे भी आता है कि वो दुआवां मंगते हैं या अल्लाह उनकी मौत ही आ जाए। पर खुश नसीब ने वो लोग जिन्होंने अल्लाह का नाम लेंदे लेंदे मौत आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं करते हैं मौत आ जाए। मौत मरण का नाम नहीं। बल्कि एक मकान विच दूसरे मकान विच मुंतकिल होने का नाम है। जी मौत मर जान का ना होता तो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदी ना फरमाते भी जदों भी तुहाडा गुजर अहले कबूर दे कोलों होवे ते उन्हां नूं तुसीं सलाम दित्ता बड़ियां इज्जतां और शान वाले लोग सन जिन्हां सिर दी अखां लाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने का मौका मिलता है और जेड़ी तो तरबियत जेड़ी सोबत और जेड़ा फैजान बरह रास्त उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होया उसकी वजह नबी और रसूलों तो बाद सब तो ज्यादा इज्जत वाले लोग वही ठहरे हैं और उन्होंने बारे अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इहतदैतुम क़यामत तक जरा हिदायत का नूर मेरी बारगाह जो चले हुआ लोगों तक पहुंचना है वो यही लोग ने सिर्फ तुम मनने की जरूरत है। अगर तुम मन लिया वबस्तगी इख्तियार कर ली थोड़ा राबता हो गया तुसी इक्तदा कर ली उन्होंने पिछे चल पे उन्होंने गल सुन ली और सहाबी की अल्लाह पाक तुम सबर अता फरमाए हजरात कुछ देर चलो ठीक सहाबी एक मियार है और मियार की है पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना ये हर उस्ताद को शगिर्द को नसीब हो जाता है मगर फैजान नबूवत आलम ये वे कि जिसने पढ़िया छड़िया कोई नहीं सीखिया भी कोई नहीं बस जिंदगी में एक बार ही उन मौका मिल गया ना तो हालत ईमान में उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ली वो भी साफ और फैजान भी जो जारी हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख लेना ईमान नाल कैफियत ईमान दे नाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लेना भावे एक बारी नसीब हुई होवे
वो हजारां लखां करोड़ां सजदियां नाल इबादतां नाल इलम नाल आमाले साले नाल हुजूर दी ज़ियारत कर लेना। और याद रखो उस तरह ज़ाहरी तौर पे सिर दी अख नाल बजाय नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत तुहाड़े और मेरे वास्ते और इस दौर के लोगों वास्ते मुमकिन नहीं रही। लेकिन अपनी ज़ियारत का दरवाजा बंद नहीं है। नबूवत एक शान का नाम है, नबूवत एक हुस्न का नाम है, एक किरदार का नाम है, एक अखलाक का नाम है और एक मियार का नाम है। नबी का जरा मियार है उस पर पहुंचना हर किसी वास्ते मुमकिन नहीं। वो सांचे ही ऐसे नबूवत का जिस में नबी ने ही आना है। अल्लाह ने नबूवत के सांचे में फरिश्ते वास्ते गुंजाइश नहीं रखी, जिन वास्ते गुंजाइश नहीं रखी, हर आमो खास इंसान वास्ते गुंजाइश नहीं रखी, हत्ता के साहिब ईमान और साहिब तकवा इंसान वास्ते भी गुंजाइश नहीं रखी। नबी ही नबी होता है और उस जैसा किसी होर से की होना है। जे ते मैं और तुसा अपने नबी की गल करिए ते जिस सांचे विच नबी बने उस विच कोई होर नबी भी फिट नहीं आंदा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सुल्तान फैजाने सुल्तान बाहू हक बाहू हक बाहू। चूंकि चंद गल्लां बड़ी जरूरी ने, मैं भी बड़ा लंबा सफर करके पहुंचा। जदों मैनू इतलाह मिली है और फिर इस इतलाह दे नाल चुके डॉक्टर साहब का अपना भी ताल्लुक मोहब्बत इतना मजबूत सी और फिर दोनों भाई जिहड़े एक फौत हो गए दूसरे इन्हों का वो फोटो जिहड़ा मेरे नाल इन्होंने मदीने शरीफ विच सफरे मदीने इन्हें बनाया। ज़ाहिर है मेरे वास्ते मदीने तो बाद कोई गल है ही कोई। इन्ना के कल जी असं खत्म रखे हुए मैं आ नहीं सन सकता। मैं बड़ी राती लेट इन्होंने दसिया भी हूँ मैं सारे प्रोग्राम अगे पिछे करके तो मैं जरूर आवागा। चूंकि लंबा सफर तो आप तमाम दोस्त बड़ी मुहब्बत अकीदत न आए हो। डॉक्टर साहब का थोड़े न सब न बड़ा शफकत और मुहब्बत का एक रिश्ता से इस वास्ते मैं चाहना कि चंद गल्लां बड़ियां हैं अपने दीन के बारे में क्योंकि फिरका वारियत जो निकलना बहुत जरूरी है। थोड़े वास्ते असी कौम नहीं असी उम्मत हाँ। साडा लीडर कोई मौलवी साहब कोई पीर साहब कोई खान साहब कोई मान साहब नहीं है। साडा लीडर कल भी थे आज भी मदीने वाला है और सन और साढ़े जितने सियासी मुदब्बरीन ने उन्होंने भी ये फैसला मंजूर कर लेना चाहिए कि अगर साढ़े च किसी लीडर बनना है तो सन मदीने वाले के नक्शे पा की तलाश में रहना चाहिए।
जिस दिन इस कौम के लीडर सियासतदान छोटे लैवल तो लैके वे लैवल तक इश्क रसूल उस मकाम से नहीं आएंगे जिसकी वजह तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्ला दुनिया इस्लाम का एक ऐसा ताजदार जिसने कुफर के फटे त्रोड़े मगर आशिक होने से ऐसा है नबी पाक खाबे जा गए फरमाया जंगी आशिक भी है तो सुत्ता भी है फिर किसी को मुमताज कादरी बन के बंदूक नहीं छानी पैनी जिस दिन इस कौम के सियासी रानुमा पीरी मुरीदी सिर्फ हाथ चुमन का नाम नहीं सादात दे घराने दे फर्क बैठे ने जे तुसी सिखनी है ना पीरी मुरीदी की चीज फिर इन्हां कोल हजरत बक्कू शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटी जी हस्ती नहीं उन्हां दे शहजादे सैयद नवाब शाह साहब तशरीफ फरमान है ये वो लोग ने जेड़े इज्जत वाले ने मगर इज्जत वाले को पता होता है कि इज्जत वाले की इज्जत किवें करी बदकिस्मती दे नाल पीरी मुरीदी नूं असां लो लैवल ते लै गए बहुत नीच मकाम ते लै गए उहदा इस्तेमाल गलत हो रहा है पीरी मुरीदी इतनी कमजोर नहीं जितनी तोड़ियां अनियां गिनता ने बड़ा छा बिल्कुल पीर उस्ताद कोई मुकद्दस गाय नहीं कि तुसी उन्हां दी पूजा करो एक मदीने वाला है जिसको आंख बंद करके बनो बाकी हर बंदे नूं वेखो हुसैन के रूप च है या नहीं दावा करना बड़ा आसान होता है मैं चूंकि तुसी सब अहले मोहब्बत बैठे हो मनन वाले बैठे हो इस वास्ते चंद गल्लां बड़ी जरूरी ने अगर तुसी उन्हां नूं पल्ले बन लो ते फिर मेरा ख्याल है बहुत सारियां तकलीफां मुश्किलां तुहाडियां खुद ब खुद हल होनियां शुरू हो जा तो मैं ये अर्ज कर रहा सा साड़ी कियादत साड़ी इमामत साड़ी सियादत कमली वाला फरमा रहे ते फरमाए ये जेड़े मेरे सोबत वाले ने ए जेड़े ए मेरे करीब मेरे कोल बहन वाले ने मेरी जियारत करने वाले बोल के दसो सर मिल के तुसी सुभान अल्लाह क्योंकि उलमा और नाथखाना का हिस्सा है ये संभाल के रखो तो सिर्फ हर बारी अल्लाह कहना है ताकि जिक्रुल्लाह भी दोनों आना शुरू हो जाए कह दो अल्लाह ये जितना जिक्र जमा होएगा ना ये डॉक्टर साहब और उन्होंने साहबजादे की रूह ईसाले सवाब हो रहे चूंकि कल रात ही मैंने इतला मिली है शाम को तकरीबन मेरे को तकरीबन रोज 20 करोड़ दरूद जमा होता है ये आज तकरीबन कोई जो हूं तक 10 करोड़ पहुंच चुके हैं वो इंशाल्लाह इस ईसाले सवाब में शामिल करा इंसान को प्रैक्टिकल मुसलमान होना चाहिए रमजान गुजरे हैं कितने रोजे रखे ने कितने नमाजा पढ़िया ने ते कितने ने जन्नत के दरवाजे खुले अंदर नहीं बड़े जने
दोजख के दरवाजे बंद हैं फिर भी टकरा मार मार दाई मार मार रोंदन पे अंदर जाना अस्तगफिरुल्लाह। करतूत ऐसे शैतान जकड़े हुए हैं, पर रमजान के विच भी जो इंसान शैतान बने हुए तब्दीली तो आनी चाहिए सी ना, सोच तो बदलनी चाहिए, किरदार तो बदलना चाहिए। बंदे रोजा रखे हो जिन्हें नहीं रखे उनकी गल नहीं करते, बंदे रोजा रखे हो उसे भी गालियां नाल करे दे तारीवी गालियां नाल करे, रोजा लग गया जी गाला दे सकते हो, झूठ बोल सकते हो, गीबत कर सकते हो, रोजा ना है ईमान और एहसाब की कैफियत के अंदर तुझे दाखिल हो जाओ तो फिर रोजा है। जे वो जो रोजा किसी रख ले तो मर भी गया तो उन्होंने कहड़ा हिसाब किताब है। हजरात इस वक्त पूरी दुनिया एक वबा का जिक्र हो रहा है, वबा वो नहीं जेड़ी होवे और ना होवे, बिल्कुल ठीक है सानू सारी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मगर अफसोस नाहक बात है मस्जिद बंद, मदरसे बंद, वो यतीम के थे जान ये ईसाई मुल्क गल समझ आती है, अमरीका तोड़े को नहीं डरता तोड़े मदरसे को डरता। दुनिया का सब तो बड़ा फलाही निजाम जिन्हें हुकूमत फंड नहीं देंगे, कोई हुकूमत किसी मदरसे को फंड नहीं देंगे, मतलब यतीम की परवरिश नहीं कर। जितने आवारा कुत्ते ने जेड़े कनेक्शन आ गया वो यतीम भी हो गया, गरीब भी हो गया, गरीब मुंह में तो बैठे, किसी गरीब की कोई दादरसी नहीं हो रही। काफी डरे समझ आती है, मुसलमान मौत को डरता पे, मौत अपने वक्त को पहले कभी आई है। डॉक्टर साहब घरों निकले सन तो मरण वास्ते तेरे सन, कोरोना नाल तो नहीं फौत होए, वक्त आ गया ये साड़ा ईमान है, इस वक्त में कोई टाल नहीं सकता, ओदे लिखे हुए नूं कोई नहीं मिटा सकता, इस होना ही होना है। और मौत वैसे जहमत नहीं, वैसे रहने तुसी उस बंदे बारे गौर फिक्र करो जो खुदकुशी करके मर जाए, कितना मजबूर होके मरता पे, जे बंदा हालत ईमान ही मर जाए और ऐसी मौत मरे जिसके उत्ते शहादत का इतलाक भी हो जाए, बेशक इन्होंने बच्चों वास्ते अपने वालिद का अपने भाई का अहले खानदान वास्ते और एक ऐसा मुरब्बी इंसान जेड़ा हर एक वास्ते बाए सिरा मत दीन का झंडा चाहे हुआ है, बजाय गम के तकाजे भी मौजूद नहीं,
लेकिन इस्लाम का हुसन तो फिर यही है ना कि रब की रजा मांगो, अल्लाह की रजा मांगो और अल्लाह से छोड़ दो जेडे अल्लाह पाक के फैसले ने। अलबत्ता जी अहम तरीन गल मैं थोड़े तो करना चाहूँ चूंकि माहौल बन गया इस वक्त मैं अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा तकरीर छोड़ के लंबा चौड़ा बयान छोड़ के गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा थोड़े तो मैं शेयर करना चाहना। क्या हर मौत तो बाद जो अं पढ़ने ना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मरण वाले वास्ते तो समझ आती है भी बंदा आखे ये अल्लाह की तरफ टुट गया इन्ना इलैहि राजिऊन, असं भी पिछू पिछू आ रहे हैं, काश फिर वाकई तुसी तैयारी शुरू कर दो, तायबो जुल्म छोड़ो, हसद छोड़ो, जबर छोड़ो, कत्ल छोड़ो, बदमाशी छोड़ो, फ्रॉड छोड़ो, फ्रेड छोड़ो, दगाबाजी छोड़ो, नफरत छोड़ो, अदावत छोड़ो, फिर अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाओ, उसके महबूब के आशिक बन जाओ। मैं जो ये ऐत पढ़ी ना फज़कुरू नी अज़कुरकुम वश्कुरू नी वला तकफुरू, मैं बड़ा हैरान होया, मैं कीती मौला तू बड़िया शाना वाला ते बेनियाज ते तैनू ये लोड़ की पै गई लोगों को आखण दी भी मेरा जिक्र करो, आवाज आई हो चुके तुसी मेरे महबूब दे उम्मती, इस वास्ते तुहाडा मेरे नाल कुर्बत का रिश्ता बनता है, दूरी का बनता है, और कुर्बत की कैफियत की है। देखो अजारे मोहब्बत या बेशुमार अदामा ने, लेकिन सब तू बाबकार चुमना भी मोहब्बत की अलामत है, और बड़ा कमाल है वे कि साढ़े दीन चुमन नाल गुनाह खत्म हो, मां दे पैर चुम लो ते जन्नत। हजरे असवद नूं चुम लो ते जिस्म पाक। बदकिस्मती है वे असी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं होता भी ये कीता की है। इस दीन के अंदर पत्थर को चूमे गुनाह खत्म होने हो, ते नबी नु मनिया की मर्तबा मिले। पत्थर ही है ना, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला नो हर में काबज हजरे असवद के सामने खड़े होके फरमाते ने ऐ हजरे असवद बेशक तू जन्नत चो आया है, मगर मैं तेन इस वास्ते नहीं चुम रहा कि तू जन्नत चो आया है, मैं तेन इस वास्ते चुम रहा कि मेरे नबी ने तेन चुमे। और एक जुमला और आपने बयान किया, ये आख्या कि मैनू पता है कि तू कोई नफा नुकसान नहीं दे सकता, हैदर करार नाल खड़े से अर्ज की या अमीर मोमिनीन ये फायदा ते नफा देने वाला पत्थर है, यार जिस दीन च पत्थर में नफा हो सकता है, वो जिस नबी का कलमा पढ़ दे ओ कलमा पढ़ दे मर जाओ, आदत बना लो पढ़ते रहे करो। मोटरसाइकिल ते तुसी इस वक्त दुनिया के अंदर सब तो बड़ा कातिल कोई हो सकता है मोटरसाइकिल चलाने वाले, और खुदकुश भी है, सिर्फ कातिल नहीं खुदकुश भी है, तो खुदकुशी के हराम है। मोटरसाइकिल से बह के टेलीफोन अटेंड करने का कोई मतलब है, कॉल करने का कोई मतलब है, त्रै त्रै तू औरत
पांच बच्चे फिर टेलीफोन तेरे कान लगे हुए काश मोटरसाइकिल के बहन के नाल ही तू दरूद पढ़ना शुरू कर कलमा पढ़ दे पढ़ना शुरू कर दे ये कलमा पढ़ते हैं पढ़ते हैं कि एक्सीडेंट हो भी जाए तो मौत भी हलाल हो जाए। हदीस पाक जानते नबी रहमत ने फरमाया क्यामत आए दिन सारे का हिसाब होना है पर जेड़ा बंदा मरदे हो या आखिरी कलाम जबान ते कलमा ला इलाहा इल्ला मुहम्मद सुल्ला होवे फरमाया उदा हिसाब नहीं होएगा बगैर हिसाब के जन्नत पे। हजरात अपने आप को शऊरी तौर पर मुसलमान बनाओ और खुशकिस्मती समझो कि अल्लाह ने तुम मुसलमानों के घर पैदा किया। बॉर्डर कोई दूर नहीं है मेरे ख्याल में कितना दूर है 4 किलोमीटर तो बाद जो लोग रहते हैं ना उन्हें तो साढ़े फर्क होना चाहिए की ख्याल कर बोलो तो कोई नहीं फर्क होना चाहिए और राम राम करन असि अल्लाह अल्लाह करिए फर्क होएगा ना भी बदकारियां करन असि भी बदकारियां करिए भी जुलम करन असि भी जुलम करिए फिर हदां बनाने की कड़ी लोड़ से तो सर हदां कायम करने की कड़ी लोड़ से। एक बड़ी खुश नसीबी है ये बसीरपुर की बस्ती तुस उस वबस्ता हो इत एक इलमी इनकलाब आया एक शोर पैदा होया मदारिस का स्कूलों का एक नैटवर्क बने पीर की कहीं कमी कोई नहीं पीर भी बेशुमार पैदा हो गए अब कम अज कम बेनमाज पीर नहीं चंगी गल गरीब आप नहीं नमाज पढ़ता उन्हें थोड़ा की बना और तुम इसे गल से खुश हो पीर और जन्नत लै जाओगे जे पीर और गए तो थोन लै जाओगे दीन ते बेदीनी च फर्क है अख वाला ते अन्ना एक जे तो नहीं ना मैं बड़ी अहम एक गल करना चाहता क्योंकि इस इलाके के अंदर एक तब्दीली आई है वो तब्दीली ये वे कि लोग कुरान के नजदीक आए कि जितने ऐले सरबत हो जितने ऐले मोहब्बत हो जितने ऐले तरीका अगर तुम खुद किसी मदरसे के बानी नहीं तो जो मदरसा थोड़े इलाके बने उसकी सरप्रस्ती करो और खुदा का शुक्र अदा करो भाई थोड़े में कोई बंदा तो है ना जिसे को इतने मसायल भी कोई नहीं फिर भी उसने झंडा चा लिया जेड़े रुसे हुए ना बोलो गुड़ चीनी तैयार जो होगी कितनी मैल निकलती है जो गन्ने छोटी जी गल दस कोई मेरे से थोड़ी बंदा ऐसा नहीं होगा जिन्हें गन्ने की चोरी ना की अगर मैं अगर गन्ने चोर हो सारे मेरे सच होना झूठ नहीं होना भाई किसी की ट्राली जा रही है तुम गन्ने उतू छिकी जा रहे हो तो हलाल हूं जे बंदे गन्ने चूबते हो उस रस में गुड़ बनता उस रस में चीनी बननी कितनी मैल निकलती खिंची जा रहे हो खाओ साफ शफाफ खाओ सुथरा खाओ हलाल खाओ हराम का चक्कर छोड़ दो ये जरा बार्डर है ना इतने बड़ी स्मगलिंग किसी दौर जो नहीं रही मगर अलहमदुल्ला
یہ بارڈر محفوظ ہو گیا, ہوں وہ سمگلر بھی نہیں رہے, وہ اس ملک دشمن لوگ بھی ختم ہو گئے. لیکن اگر تسی مسیطے بہ کے بھی وہی کام کرنے نے تو پھر بڑے افسوس ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیوں تو بعد بھی جس نے صدیق اکبر دے پیار دی پینگا چڑھان دا سلسلہ جاری رکھیا. آپ شیر پڑھ رہے سو نا سلطان صاحب کا, تے تصور دیکھو سلطان صاحب کا, سلطان صاحب کا کلام قرآن اور حدیث کی تشریح ہے. آپ تصور کتنے لے جا رہے ہیں, اے تن میرا چشمہ ہوئے صدیق اکبر سب پہ ڈنگ رہے تھے وہ نبی نو پہ ویتے, اے پیری مریدی نہ بنائیے اے بکھو شاہ لے. اور آج میرے خیال پورے علاقے کوئی ایسا بندہ نہیں جہاں حضرت بکھو شاہ صاحب رحمت اللہ نال عقیدت نہ رکھتا ہو. اے تن میرا چشمہ ہوئے صدیق اکبر سرکار نو ویکھی جا رہے, سلطان صاحب نے کتنا ویکھے ہوئے گا, لوں لوں دے موڈ لاکھ لاکھ اکھیاں ایک باری ویکھ لو تو منہ کچھ بننا بن جانا. اور جدو آپ دا وقت وصال آیا نا حضرت امیر المومنین سید صدیق اکبر دا, کہ آپ نے پیغام بھجوایا امیر المومنین سیدنا علی رضا دی بارگاہ دے اندر کے آپ تشریف لے آؤ میرے کو. جدو آپ آ گئے اتنی دشمنی آئی کہ آپ آ گئے. اچھا لوگوں کو دین کے اندر ڈکوسے لانے میں شرم ہی نہیں آتی, آپ تشریف لے آئے تو صدیق اکبر نے پتہ کی تقاضا کی, علی میری ایک خواہش ہے پوری کر دے. عرض کی تھی یا امیر المومنین فرماؤ, فرمایا جنہ ہاتھاں دے نال کملی والے نے تو حسن دیتا ہے میری خواہش ہے کہ میرا حسن بھی تیرے ہاتھاں نال. دین ہے اے, ساڈے ذاکر ساڈے خطیب ایسی گلاں کر جان گے بعد معافیاں منگتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو دے دو جی بول آگ لگ جاتی ہے. علی نے حسن بھی دیتا جنازہ بھی چایا, وصیت جڑی سی آپ دی صدیق اکبر سرکار دی وہ یہ سی کہ جنت البقیع لے جان تو پہلے ایک بار میں کملی والے دی حجرے دے سامنے لے جا. اے ہوں اسلام پہ دسنا, میں حجرے رسول دے سامنے لے جانا اسلام کی ہے, تے سرکار دے حجرے دے سامنے لے جا کے نا بس ایک کوئی گل کرنی ہے کہ یار غار حاضر ہو گیا وہ جائے سب کو جگانا. ہوں اس اسلام دے تحفظ واسطے اگر اللہ نے تمہیں زمین دیتی ہے اشر کڈ کے یہاں مدرسے سے لا دو کو اپنے کو دیتا ہے اور تاری فصل پاک ہوگی, پانچ پانچ فصل تھی چاہتے ہیں, دو مکئیاں ایک آلو اتو دان رجنے تو کوئی نو پہ ایک پھر بھی ایک ہاتھ اگے دے ایک ہاتھ پیچھے کیوں بھائی, غریب دا حق کٹو بار یتیم پروری کرو. پیر خانے کی خدمت بھی کرو, اس واسطے نہیں کہ پیر خانے لوڑ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صدقہ میری امت دے غریباں دا حق، اور ہدیہ میرا تے میرے گھر والیاں دا. میں دربار شریف تے 25 ایکڑ وچ مسجد حسین بنائی. ضرور آؤ نویں چند دے پہلے جمعے جمعرات اور جمعے میں دربار شریف ہی ہوں. مسجد حسین دے اندر 10,000 سٹوڈنٹس واسطے صرف مدرسہ نہیں، قرآن کو لے کے نا مدرسے کو لے کے یونیورسٹی لیول تک، یعنی تہاڈی یہ حسرت ہوں ختم ہو جائے گی کہ تہاڈا بچہ اگر حافظ قرآن بن گیا تو ڈاکٹر نہیں بنے گا. ساڑھے کول پورا نظام ہے، اگر تہاڈا بچہ لائے کے تسی پڑھاؤ گے، پڑھانا چاہو گے، انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنے گا اور ڈاکٹر بھی بنے گا.